नमस्कार, मैं निखिल कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और वक्त हो चला है शाम की सबसे बड़ी खबरों को बताने का। तीसरी कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में आरोपी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। 19 दिसंबर को सजा का ऐलान होगा, तो वहीं कोर्ट ने मामले में शशि सिंह को बरी भी कर दिया है। तीसरी कोर्ट ने भाजपा विधायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के सेक्शन 5C के तहत यानी पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। इस मामले में जुलाई में दुष्कर्म पीड़िता की कार को ट्रक द्वारा टक्कर मारी गई और उसके दो चाची की मौत भी हो गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मुकदमे को लखनऊ से दिल्ली की 30,000 कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद न्यायाधीश ने 5 अगस्त से प्रतिदिन मुकदमे की सुनवाई शुरू की थी। कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप है कि वह पीड़िता नाबालिग थी, तब 2017 में उसे अगवा कर दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में अदालत ने सेंगर के सह आरोपी शशि सिंह को आरोप तय किए थे। उत्तर प्रदेश के बंगरामऊ में 4 बार भाजपा के टिकट पर विधायक रहे सेंगर को अगस्त 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि उन्नाव दुष्कर्म केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 30,000 कोर्ट के इस मामले में अगस्त में ही आरोप तय कर दिए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में IPC की धारा 376, 363, 120B, 366 और पॉक्सो एक्ट के प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ रविवार को हुई हिंसा पर सोमवार को जामिया प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जामिया की VC नजमा अख्तर ने कहा कि यूनिवर्सिटी को बहुत नुकसान हुआ है, हमारा कॉन्फिडेंस इमोशन को नुकसान पहुंचा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? जो आजकल अफवाह फैलाई जा रही है, यूनिवर्सिटी इसकी निंदा करती है, हमारे पास सभी फैक्ट्स हैं, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो प्रदर्शन जामिया में नहीं हुआ है, उसे भी जामिया यूनिवर्सिटी के नाम से फैलाया जा रहा है। इससे हमारी यूनिवर्सिटी की इमेज खराब हो रही है और हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग आए हैं उन पर FIR कराएंगे। बच्चे जिस हालात से गुजरे हैं उसे दोबारा कैसे लाएंगे? इस पूरे हिंसे की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर बिना इजाजत के पुलिस आई है, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, कैंपस और लाइब्रेरी के अंदर बच्चों को मारा पीटा गया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या पुलिस किसी भी यूनिवर्सिटी में घुस जाएगी? जब बाहर 10,000 लोग भाग रहे थे तो क्या आप 10 लोगों को पकड़ेंगे? VC ने आगे कहा कि प्रदर्शन में काफी बच्चे हमारे यहाँ के नहीं थे, हिंसा में किसी की भी मौत नहीं हुई है, जो भी घायल हुए हैं उनकी लिस्ट हमारे पास है, हमारी बस यही मांग है कि हमारा कैंपस सुरक्षित रहना चाहिए। प्रदूषण पूरे देश में हो रहा है, लेकिन नाम सिर्फ जामिया का ही आ रहा है, क्या छात्र दोबारा प्रदर्शन कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन सड़क पर नहीं होता है, हमारा किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है, ना ही हमने किसी को बुलाया है, हम सिर्फ मंत्रालय से बात कर रहे हैं, बच्चों से सिर्फ इतना ही अपील करना चाहेंगे कि वह किसी के भी साथ ना आए, क्योंकि इससे गलत मैसेज जाता है, हमारा आगजनी से कोई मतलब नहीं है। बच्चों के हॉस्टल छोड़ने पर VC ने कहा कि हम बच्चों को ज़बरदस्ती हॉस्टल छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी वेकेशन है, इसलिए सभी अपने घर जा रहे हैं, जो भी बच्चे घर जाना चाहते हैं हॉस्टल की ओर से उन्हें मदद की जा रही है। जामिया के रजिस्ट्रार ने इस दौरान कहा कि हमने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, बाद में छात्रों को छोड़ दिया, पुलिस की कार्रवाई से छात्र डरे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों पर प्रदर्शन में 30,000 से अधिक बच्चे शामिल थे, लेकिन जामिया में कुल ही 4,000 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में भीड़ पर काबू रखना यूनिवर्सिटी का हक नहीं है, बल्कि पुलिस का काम है। जामिया के कुल 200 छात्र घायल हुए हैं, किसी की भी मौत नहीं हुई है, जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है उसे वापस लाया जा सकता है, लेकिन बच्चों में जो डर है उसे कैसे ठीक करें? नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गया है। पूरे UP में धारा 144 लागू कर दी गई है। जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद अब लखनऊ में पथराव हुआ है, छात्रों को पुलिस ने परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया है। इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामले में अज्ञात छात्रों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। AMU प्रशासन ने छात्रों से छात्रावास खाली करने को भी कहा है। नागरिकता कानून को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून पर हिंसक प्रदर्शन करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चर्च और विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। इस कानून से किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। इस पर उन्होंने लगातार कई ट्वीट भी किए।
अपने 5 ट्वीट्स में से पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर हिंसक विरोध बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। बहस चर्चा असंतोष लोकतंत्र के आवश्यक अंग है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और सामान्य जीवन में अशांति फैलाना हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 को संसद के दोनों सदनों में भारी समर्थन से पास किया गया है। बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों और सांसदों ने इसे लागू होने के लिए समर्थन किया है। यह अधिनियम भारत की सदियों पुरानी संस्कृति के स्वीकृति, सद्भाव, करुणा और भाईचारे को दर्शाता है। तीसरे ट्वीट में लिखा है कि मैं अपने साथी भारतीयों को स्पष्ट से आश्वस्त करना चाहता हूं कि नागरिकता कानून भारत के किसी नागरिक या किसी धर्म को प्रभावित नहीं करता है। किसी भी भारतीय को इस कानून को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें बाहर अत्याचार का सामना करना पड़ा है और जिनके पास भारत को छोड़कर और कोई जगह नहीं है। चौथे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि समय की मांग ये है कि हम सभी को साथ मिलकर देश के विकास और नए भारत को सशक्त बनाने के लिए काम करना चाहिए, खासतौर से गरीब, दलित और हाशिए पर पहुंचे हुए लोगों के लिए। हम निहित स्वार्थी समूहों को हम विभाजित करने और अशांति पैदा करने के लिए अनुमति नहीं दे सकते हैं। पांचवें और आखिरी ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि यह शांति, एकता और भाईचारा बनाए रखने का समय है। मेरा आप सभी से यह अपील है कि हर तरह की अफवाह फैलाने वालों और झूठ से दूर रहें। यह सभी ट्वीट पीएम मोदी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के आने के बाद से हो रहे बवाल और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए किए हैं। उच्चतम न्यायालय उन याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है जिनमें नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई घटना का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस S.A. बोबड़े के सामने उल्लेख किया। जयसिंह ने अदालत में कहा कि उन्हें इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे देश में हो रहे गंभीर मानवाधिकारों का यह उल्लंघन है। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अगुवाई वाली एक पीठ ने कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उपद्रव पर भी सोमवार को सख्त रुख अपनाया और कहा कि यह सब फौरन बंद होना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और कॉलिन गोंजाल्विस के नेतृत्व के वकीलों के एक समूह ने मामले को अदालत के समक्ष उठाया और कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर की गई कथित हिंसा का स्वतः अध्ययन लेने के लिए अपील की। पीठ ने कहा कि हम बस इतना चाहते हैं कि हिंसा बंद हो जानी चाहिए। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि अगर प्रदर्शन एवं हिंसा हुई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो हम इस मामले को नहीं सुनेंगे। पीठ ने वकीलों से उनकी याचिका दायर करने को कहा। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि वह कल इन मामलों पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह कहा कि नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कांग्रेस और त्रिपुरा के पूर्व महाराज कीर्ति प्रबोध देव बर्मन की याचिकाओं पर वह 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने इस दौरान यह भी कहा कि अन्य लंबित याचिकाओं पर साथ ही याचिकाओं पर 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। झारखंड में चल रही चुनावी घमासान के बीच झारखंड के ही पाखुड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि 4 माह में अयोध्या में आसमान छूता भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने कहा है कि अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के लिए फैसला दिया। 100 वर्षों से दुनिया भर के भारतीयों की मांग थी कि वहां राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन एक कांग्रेस के नेता और वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में कहते हैं कि अभी केस मत चलाइए, क्यों भाई आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब मैं नई बात देख रहा हूं कि राहुल बाबा पूछते हैं कि कश्मीर की बात आप झारखंड में क्यों कर रहे हैं। राहुल बाबा, आपका मालूम नहीं है कि झारखंड के सैकड़ों युवाओं ने कहीं CRPF, BSF और सेना में कश्मीर को बचाने के लिए बर्फीली चोटियों पर अपना खून बहाया है। अमित शाह ने कहा है कि संथाल के आदिवासियों ने अपनी जान देकर अंग्रेजों को खदेड़ा, कई दशकों तक पहाड़ियों में जुल्मी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। ये 5 साल झारखंड के अंदर मोदी जी और रघुवर जी की विकास की गंगा बहाई है। अमित शाह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की गोद में बैठ कर वे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। जब झारखंड के निर्माण के लिए गोलियां चल रही थी तब शासन में कौन था। हेमंत जी, आपको याद तो नहीं, लेकिन आपके पिता गुरुजी से पूछ लेना, तब कांग्रेस और राजद के लालू प्रसाद यादव सरकार में थे। शाह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड ने 14 में से 12 सीटें मोदी को दी और संसद के पहले ही सत्र के अंदर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से कोर्ट कार्ड फेंकने का काम मोदी सरकार ने कर दिया।
अमित शाह ने केंद्र द्वारा राज्य को दी गई आर्थिक सहायता का उल्लेख करते हुए कहा कि जब केंद्र में सोनिया मनमोहन की सरकार थी तो उन्होंने झारखंड को 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत 5 साल में मात्र 55,253 करोड़ रुपए दिए। आपने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुना तो उन्होंने 3,08,487 करोड़ रुपए झारखंड के विकास के लिए दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संथाल परागना के 1,21,000 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का कार्य हमारी सरकार ने किया। शाह ने कहा कि आज मैं इस धरती से झारखंड के पिछड़े समाज के युवाओं से कहने आया हूं कि हमने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि हमारी सरकार बनने के बाद आदिवासी दलित समाज का आरक्षण कम किए बगैर हम पिछड़ों को आरक्षण देने काम करेंगे। सबसे बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com।